गया है। अब ये हिंदू कोड बिल होता क्या है? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड प्रिपेयर्ड द हिंदू कोड बिल टू एंश्योर वुमेन राइट्स इन हिंदू सोसाइटी। हमारे पुराने जमाने में हिंदू सोसाइटी जो हमारे इंडियन लोगों जो इंडियन लोग जो है मतलब ये हो चुका है क्या? नहीं, हिंदू सोसाइटी में ना पहले पुराने जमाने में ना औरतों को बहुत बंदिश में रखा जाता था, उनके ऊपर बहुत ही डोमिनेंट रूल टाइप का रखा जाता था। उनको घर से बाहर नहीं निकलना है, हमेशा पर्दे में रहना है, घर का ही काम करना है, बाहर की कोई जानकारी नहीं, एजुकेशन कोई नहीं देना है उनको। ठीक है, हाँ, तो ये जो है इसको उनको बहुत बंदिश में रखा जाता था। तो उनके राइट्स के लिए, वुमेन लोग के राइट्स के लिए जो है पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल बनाया गया। बहुत लोगों को ये पसंद आया, बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आया। ठीक है, जिन लोगों का माइंड नैरो है, जिन लोग देखे हैं जैसे विदेश, जैसे बहुत सारे नेता जो लोग है ना वो लोग बाहर विदेश में जाते थे जैसे अमेरिका जर्मनी, तो वहां के वुमेन लोग को ना ये अधिकार मिलता था बट अपने इंडिया में नहीं मिलता था। तो उन्होंने देखा है कि जब दूसरी कंट्री के औरत जब यहाँ पर इतना सक्षम है, यहाँ पर पढ़ सकती है लिख सकती है, तो हमारे कंट्री के क्यों नहीं। तो उसी के डिसीजन के ऊपर जो ये हिंदू कोड बिल बनाया गया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो लोग विदेश कभी गए नहीं, देखे नहीं है कि औरत लोग के साथ बाहर में कितना रिस्पेक्टफुली के साथ बात किया जाता है। ठीक है, बाहर अगर लेडीज लोग निकलते हैं तो उनको कितना ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से अगर लड़कियां या फिर कोई भी औरत अगर घर से बाहर निकलती काम करने के लिए तो उनको उस औरत को क्या माना जाता है कि ये अच्छी औरत नहीं है। होता है कि नहीं होता? आज भी होता है कि अगर कोई भी लड़की ऊंची आवाज में बात कर दे या फिर कोई औरत अगर ऊंची आवाज में बात कर दे, ठीक है, अगर अपने अधिकार के लिए कोई बात कर दे तो उनको बहुत ही गिरा हुआ समझती है, मतलब कैरेक्टरलेस टाइप का समझती है। तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, तो ये हिंदू कोड बिल में यही सारी चीजें जो है मतलब डिनोट किया गया था कि हिंदू कोड बिल में वुमेन के राइट्स के अधिकार के लिए जो है इसमें बनाया गया था, पूरे लॉज कानून बनाए गए थे कि हिंदू कोड बिल में वुमेन लोग जो वुमेन है उन लोग को जो है पढ़ने का अधिकार मिलेगा, साथ ही साथ पार्लियामेंट में उनको सीट मिलेगा। ठीक है, पार्लियामेंट में सीट मिलना बहुत बड़ी बात है वहां पे। ठीक है, तो कुछ परसेंट रिजर्व कर दिया गया था इंडियन के वुमेन लोग के लिए। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, और इसको पूरा ड्राफ्ट कौन किया था? अंबेडकर जी ने। ठीक है, ये हिंदू कोड बिल को पूरा का पूरा ड्राफ्ट मतलब बनाया किसने था? अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी का साथ कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर दोनों मिलके ही जो है इस कोर्ट के इस लॉ के फेवर में थे, लेकिन बहुत सारे जन अगेंस्ट में भी थे। तो जो लोग अगेंस्ट में थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किया, पार्लियामेंट में हल्ला किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे घर की बहू बेटियों इज्जत की बात आ जाती है कि हमारी घर की बहू बेटियां तो बाहर निकलेंगी तो लोग क्या समझेंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें जो उनके माइंड में आ रही थी। तो जिसके कारण अम्बेडकर जी क्या किए, वहां से रिजाइन दे दिए। ठीक है, पार्लियामेंट से कि मेरे को अब यहाँ पे कोर्ट में रहना ही नहीं है क्योंकि आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कोई बात सुनता नहीं है तो क्या मतलब है रह के, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। सी ओ शिट, देखो क्या नाम से नरेंद्र मोदी जी, जैसे उसको 32 कौन है, ये कौन होगा? स्नेहिल, नरेंद्र मोदी जी, कैन यू हियर मी? नरेंद्र मोदी जी, कैन यू हियर मी? ये नरेंद्र मोदी जी से कौन आया है, एडमिट कौन किया है, प्लीज टेल मी योर नेम। कौन है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के नाम से आया है यहाँ पे? इसको कर देते हैं हम रिमूव, स्टूपिड। तो जिसके कारण जो है अंबेडकर जी ने रिजाइन दे दिया था कैबिनेट से।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द बिल दैट जनरेटेड सो द मच पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी. ये जो है बिल इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब इतना ज्यादा चर्चा था इसके बारे में कि इसके बारे में कुछ मतलब कंटेंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले जो था, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अ कॉमन लॉ इज क्राइम. देखो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश लॉ था ना, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो भी क्रिमिनल होता है, क्राइम होता है, जैसे चोरी डकैती या फिर रॉबरी या फिर क्या बोलते हैं इसका आपका मर्डर, ये सब होता है तो इसके ऊपर अपन एक्शन लेंगे. ठीक है. दूसरा चीज होता है कि उनको अपने इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, कौन अंदर है, कौन बाहर है, कौन घर पे काम कर रहा है, कौन बाहर काम कर रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं था. ठीक है. उनको सिर्फ मतलब था कि चोरी डकैती मत हो, मर्डर वगैरह ना हो, बस इससे मतलब था. तो उसके ऊपर जो भी कुछ अगर होता था तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाती थी, और बाकी किसी चीज के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाती थी. ठीक है. बट इज द मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड ऑफ द सोशल लाइफ सच एज मैरिज, फैमिली, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन. ईच रिलीजन हैड एट लॉ अकॉर्डिंग टू द बिलीफ एंड ट्रेडिशन. देखो अभी क्या होता था पहले के जमाने में, जैसे हमारा ये ब्रिटिश रूल का जो भी कानून था इसको तो हम साथ में लेके ही चल रहे हैं. ठीक है. मतलब जो भी क्रिमिनल होता है, जो भी क्राइम होता है, तो उसके ऊपर अपन को केस करना ही है. दूसरा चीज होता है कि हमारे रिलीजन में, हर एक रिलीजन में अलग अलग अपना खुद का ट्रेडिशन है, खुद का कल्चर है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बंगाली लोग को ये साखा पोला पहना रहता है. ठीक है. उनको साड़ी वगैरह, अपना जो गेटअप रहता है वो अलग रहता है. साउथ लोग का गेटअप अलग रहता है. अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पर साड़ी का पहनावा अलग रहेगा. अगर आप मतलब नॉर्थ इंडिया साइड में जाओगे तो वहां पे देखोगे बहुत मोटे मोटे कपड़े, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड रहती है. तो बहुत, और उनका खुद के कल्चर भी होता है, खाना पीना अलग रहता है, उनकी त्योहार अलग रहता है, उनका उपवास वगैरह जो भी रहता है सब अलग रहता है. तो सब अपने अपने रिलीजन का खुद का अपना ही अपना जो है रूल माने जा रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं रूल और खुद ही उसको माने जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पर कंट्री का जो है, आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसका भी रूल्स रेगुलेशन आपको मानना पड़ेगा. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए ही बनाया गया है कि लोगों को अधिकार मिल सके और लोगों जो है उस अधिकार का फायदा उठा सके. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर रिलीजियन फ्रीडम. अब रिलीजियन फ्रीडम क्या होता है कि आप अपना रिलीजियन खुल के जी सकते हो, हर एक लोग जी सकते हैं. आज पहले के डेट में आप देखोगे कोई किसी के रिलीजन में मतलब ऊंचे कास्ट, नीची कास्ट, ठीक है, दूसरे रिलीजन, छोटे जाति के लोग, बड़े जाति के लोग एक दूसरे के घर में नहीं जाते थे. अभी वो चीज करते हैं, अभी अपन उतना ज्यादा नहीं मानते हैं. ठीक है. क्योंकि अपन पढ़े लिखे हैं. दूसरा चीज हो गया, दूसरा चीज ये है कि अपन जो भी रिलीजन में त्योहार वगैरह होते सब मिलके मनाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे आपका जो भी है क्या बोलते उसको दशहरा है, गणेश है. गणेश जी पूजा आप देखोगे तो महाराष्ट्र का त्योहार है लेकिन अपन सब मनाते हैं. ठीक है. दुर्गा पूजा यहाँ कलकत्ते साइड का है तो अपन सब मिलके मनाते हैं. तो ये एक माइंड सेटअप है कि ये इस जगह का है, इस जगह का है तो अपन को नहीं मनाना है. नहीं, अपन ये सारे त्योहार मनाते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है इस टाइम पे, मतलब एक रिलीजन फ्रीडम होना चाहिए. और अपना कंट्री, अपना इंडिया का एक रिलीजन है. ठीक है. अपना इंडिया का ये रिलीजन है कि वी आर इंडियन. सबसे पहले हम इंडियन है, उसके बाद ही हम किसी रिलीजन में आते हैं. ठीक है. तो हमको अपने रिलीजन को हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए, इंडियन रिलीजन को तो एटलीस्ट रेस्पेक्ट देना चाहिए. ठीक है. क्योंकि आप बाहर जाओगे तो सबसे पहले आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से कास्ट के, कौन से रिलीजन के हो. सबसे पूछा जाएगा आप कौन से कंट्री से हो. ठीक है. तो अगर आप इंडिया कंट्री बोलते हो तो आपका, आप एक इंडियन की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए वहां पे जा रहे हो. ठीक है. वहां पर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप बंगाली हो, कि छत्तीसगढ़ी हो, कि बिहारी हो, कि फलाना तेलुगु हो, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. देन Often there are the different legal practices even within the some religion. In the most of the religion, especially law, we base. Actually ना ये ना सारा ना हो चुका था. अपन ना recognize और reorganization of state and state reorganization commission में आने वाले थे. मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रही हूँ क्या हो रहा था. इसमें जो भी वुमेन जो है इक्वल राइट के कारण, उनको सारे अपने इंडिया के वुमेन लोग को इक्वल राइट नहीं मिल रहा था. तो क्या क्या चीजें यहाँ पे जो है इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा था तब के समय में. सबसे पहला पॉइंट है, इफ द हेड ऑफ द फैमिली डाइज विदाउट लिविंग अ विल. विल का मतलब होता है वसीयत. ठीक है. अगर वो बिना वसीयत के अगर कोई भी हेड ऑफ द फैमिली मर जाता था ना, तो उस टाइम पे जो भी लड़का रहता था उनकी फैमिली में, उनको वो सारी वसीयत, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उनके नाम पे ऑटोमेटिकली हो जाता था. ठीक है. ना ही वाइफ के नाम पे जाता था, ना ही डॉटर के नाम पे जाता था. लेकिन आज के डेट में कोर्ट में जो है लड़कियों को भी उतना ही अधिकार है जितना लड़के को अधिकार है अपने पापा की प्रॉपर्टी में. ठीक है. ये लड़की लोग का भी अधिकार है. वो अगर अगर पापा, अगर जो भी है पापा है या मम्मी है,
अगर वो लड़की के नाम पे अगर नहीं कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं तो लड़कियां जो है उनके ऊपर केस कर सकती है। बट ऐसा कोई करेगा नहीं, मेरे को पता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ये राइट है, ठीक है, तो इस राइट का आप, कोई कोई होता है ना कि आप इतना कुछ लिमिट ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। विल गेट एन इक्वल शेयर इज हिज प्रॉपर्टी एज द मेल हायर, तो मेल को ये सारी चीजें मिल जाती थी। अर्लियर ओनली सन वेर गिवन अ शेयर इन द प्रॉपर्टी, सिर्फ सन को ही जो है प्रॉपर्टी का शेयर मिलता था। नाउ सेकेंड है, मेल को जो है सेकेंड मैरिज के लिए अलाउ था लेकिन फीमेल को नहीं था, तो ये गलत चीज है कि नहीं? अगर आपकी पत्नी, आपकी अगर किसी लड़के की मतलब मेल की वाइफ अगर डेथ हो जाती है तो वो दूसरी शादी करने के लिए उसका अलाउ है, बट गर्ल्स को क्यों नहीं? उसकी भी तो पूरी एंटायर लाइफ पड़ी हुई है, ठीक है, क्यों वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन सकती है? तो ये चीज गलत है, तो इसको भी क्रॉस कर दिया गया उस लॉ से। सेकेंड है आपका, इलीगल माना जाता था अगर वुमेन अगर दूसरी शादी कर लेती थी तो सोसाइटी में। देन थर्ड है आपका, मैन और वुमेन हैव इक्वल राइट टू डिमांड अ डाइवोर्स ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। डाइवोर्स लेने का हक सिर्फ लड़के लोग को या मेल को नहीं है, फीमेल को भी है, ठीक है। अगर मेल बोलते हैं कि मेरे को डाइवोर्स लेना है और अगर फीमेल एग्री नहीं है तो यहाँ पर डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे ऐसा था, खासकर मुस्लिम लोग का, अभी तो मुस्लिम लोग का भी बदल गया है, 3 तलाक मुंह से बोलते तो उन लोग का तलाक हो जाता था। होता था कि 3 तलाक का आया था, तलाक तलाक बोलते तो मतलब तलाक हो गया, ठीक है, हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये सारी चीजें अभी सारी चेंज हो गई है। तो अगर आप, आपका डिसीजन मतलब मेल का और फीमेल का दोनों का डिसीजन अगर एक है तो यू कैन टेक द डाइवोर्स, ठीक है, टू ईच अदर। अगर आप नहीं करते हैं, अगर एक जन है और एक जन नहीं है, तो आप डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट के थ्रू जो है आपको एक वो दिया जाएगा, मतलब एक जो भी है ऑफिसर दिया जाएगा ताकि आप लोग के बीच में पैचअप करा सके, ऐसा रहता है मेल और फीमेल के बीच। उसके बाद फोर्थ आपका, इंटरकास्ट मैरिज आर इनलीगल परमिसिबल। जो इंटरकास्ट मैरिज है, पहले वहां पर मतलब परमिसिबल नहीं था। इंटरकास्ट का मतलब क्या होता है? एक कास्ट से दूसरे कास्ट, ठीक है। पहले बिहारी छत्तीसगढ़ी या हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख ऐसा शादी नहीं कर सकते थे, सिर्फ इंटर कास्ट के ही अंदर आपको शादी करना, सिर्फ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी के साथ शादी कर सकता था ऐसे। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं, अगर 18 इयर्स के अगर लड़का या लड़की हो जाती है, अगर उनके मुझे कैपेसिटी है तो वो फिर अपना डिसीजन खुद ले सकती है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इलीगल चीजें नहीं है। तो नाउ फिफ्थ है, इट इज लीगल अडॉप्टेड अ चाइल्ड ऑफ एनी कास्ट। पहले के जमाने में जो बच्चे लोग का, जिनका बच्चा नहीं होता था, वो अपने ही कास्ट वाले से ही मतलब अपना बेबी बॉर्न करवाते थे या वहां से अडॉप्ट कराते थे, किसी और जात के बेबी को नहीं लेते थे, ठीक है। लेकिन आपने झांसी की रानी का मूवी देखा है? क्या नाम उसका, जिसमें कंगना रनावत मणिकर्णिका, है? हाँ, मणिकर्णिका। वाह वाह, मणिकर्णिका वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मणिकर्णिका में भी जिसका जो बच्चा है जो वो मर जाता है, तो वो क्या करती है, वो किसी और कास्ट वाले को जो है अडॉप्ट करती है, ठीक है। वो रूल पहले नहीं था लेकिन उसने फिर भी किया, सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके वो उसको रूल को ब्रेक किया, उसने किया, तो उस टाइम पे उस चीज को इलीगल माना जाता था। अभी वो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आप किसी भी कास्ट वाले के बच्चे को जो है आप अडॉप्ट कर सकते हो और उसको पाल सकते हो, ठीक है, ऐसा है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया होती है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, बहुत पैसा लगता है, तो लोग आखिरी तक बोलते हैं कि मती लो तो अच्छा है, ऐसा टाइप हो जाता है। तो अगर आपके में उतनी कैपेबिलिटी है, जैसे सुष्मिता सेन, आप लोग जानते हैं सुष्मिता सेन को? जानते नहीं जानते यस हो? मैम, देखो सब यस मैम, यस मैम बोल रहे, पर यहाँ पर सबके सब चुप है। सुष्मिता सेन को नहीं आता? वो दो दो लड़की अडॉप्ट की है। फर्स्ट लड़की जब उसने अडॉप्ट की थी, वो भी इंटरकास्ट के ही थे, मतलब उसी उनके कास्ट के नहीं थे। फर्स्ट में जब उन्होंने, उनका एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो फर्स्ट जब लड़की को जब अडॉप्ट की थी तब उतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितना सेकेंड में हुआ था, क्योंकि सेकेंड में उन्होंने फिर से लड़की ही अडॉप्ट की थी, ठीक है। पहला तो लड़की, तो ऑब्वियसली दूसरा कोई सोचता है कि लड़का अडॉप्ट करूं, बट उसने दूसरा भी जो है लड़की ही अडॉप्ट की, तो जिसके कारण कोर्ट में बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हुई, बहुत ज्यादा उनको परेशानी भी झेलनी पड़ी, उनको इंटरव्यू वगैरह भी देना पड़ा कि एक लड़की के बाद दूसरी लड़की क्यों, एक लड़की के बाद तो हमेशा लड़का चूज करते हैं, तो अब लड़की चूज क्यों किए हो? तो बहुत सारे क्वेश्चनिंग उनके ऊपर आ रहे थे, ठीक है। तो आज के डेट में हो जाता है, लेकिन ये कि अगर आपके पास पैसा है, पावर है, सोर्स है, यू कैन अडॉप्ट इट। ओके, क्लियर है यहाँ तक के? ओके यस मैम, यस मैम, यस okay. मैम, सो नाउ बस यही सारे फैक्ट्स थे हिंदू डिविडेंड, हिंदू कोर्ट बिल में। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडियन वुड बी एन यूनियन ऑफ स्टेट. हाँ बोलो बेटा. मैम फैक्ट का मतलब क्या होता है वैसे? फैक्ट्स का फैक्ट्स का मतलब होता है कि रियलिटी. रियलिटी मतलब आपके रियल में क्या क्या आपके सामने मतलब दर्शा रहे हो उसको बोलते हैं. जो रियलिटी होती है ना, रियल चीजें, उसको फैक्ट बोला जाता है. ठीक है? ओके मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट ओके म्यूट योर माइक. डिक्लेयर दैट इंडिया वुड बी एन यूनियन ऑफ स्टेट विद ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट. ठीक है, हर एक स्टेट का अपना खुद का एक यूनियन स्टेट है और खुद का अपना खुद का गवर्नमेंट है कि नहीं है? बट द क्वेश्चन वॉज, क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऑन व्हाट बेसिस शुड बी दिस स्टेट आर फॉर्म. किस बेसिस पे जो स्टेट फॉर्म किया गया है? पहले के जमाने में क्या होता था ना कि सब अपना अपना एक सोसाइटी बना लेते थे. जैसे कि वहां पर कटर किसने गिरा है? ग्रीन कलर का उधर कोंटे में. पहले के जमाने में उधर कोंटे में है. ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, सब अपना अपना ना रीजन बना लिए थे. जैसे कि बंगाल में बंगाली लोग रहेगा, महाराष्ट्र में मराठी लोग रहेंगे, साउथ साइड में पूरे तेलुगु तमिल तो कन्नड़ ये सारे लोग रहेंगे, नॉर्थ में जो है थोड़े से जैसे आप कभी इधर चले जाओगे नॉर्थ में पंजाबी. ठीक है, दिल्ली और पंजाब में जाओगे तो सारे नॉर्थ इलाका ही पड़ता है. ठीक है, तो वहां तक पंजाबी, देन और थोड़ा ऊपर जाओगे तो कश्मीरी का झलक मिलेगा आपको. तो सब लोग अपना अपना एक रीजन बना लिए हैं कि हमारा स्टेट ऐसा बनेगा, हमारे स्टेट में ये लोग रहेंगे, हमारे स्टेट में ऐसे लोग रहेंगे. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ऐसा कोई भी वो नहीं रहा था, मतलब एक वो नहीं था, जेल की तरह नहीं था कि आप अपने स्टेट में ही काम करना या अपने स्टेट में ही रह के जो भी है पढ़ना लिखना है. नहीं, आप दूसरे स्टेट में भी जाके कमा सकते हो, पढ़ सकते हो, खा सकते हो, जो भी करना है आपको घूम सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे पूछा गया कि किस तरीके के स्टेट में फॉर्म हुआ है. पहले तो अपनी सबसे पहले तो बात है कि साउथ साइड का पूरा जो है ऐसा पूरा अलग अलग नहीं था. हमारा हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पहले मध्य प्रदेश के अंदर ही आता था. पता है कि नहीं पता है? पहले मध्य प्रदेश के अंदर आता था, फिर मध्य प्रदेश से अलग होकर फिर छत्तीसगढ़ में आ गया. वैसे तेलंगाना जो है तेलुगु जो एरिया है उस साउथ इंडिया में, वहां पे तेलंगाना को अलग कर दिया गया. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट को है जो है बनाया गया. तो किस तरीके की किस बेस पे बनाया गया है? तो सबसे पहला है यहाँ पे द ब्रिटिश हैड डिवाइडेड देयर इंडियन एम्पायर टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविनेंस मद्रास विच इंक्लूडेड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला. सबसे पहले एक मद्रास बनाया गया जिसमें कौन कौन से स्टेट आते थे आज के डेट पे. आज के डेट पे वो स्टेट का नाम है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड केरला. ये चारों को मिला करके 1 2 3 4 चारों को मिला करके जो है मद्रास बनाया गया था. ठीक है, उसके बाद मुंबई. मुंबई में कौन कौन सा इलाका इंक्लूड था, मतलब एरिया विच इंक्लूडेड रीजन वेर द पीपल स्पोक मराठी गुजराती कनाडा कोंकणी एंड अदर लैंग्वेज. बॉम्बे, इसको बॉम्बे बोला जाता था. बॉम्बे में कौन कौन सा आता था? मराठी, देन गुजराती, कनाडा और कोंकणी एंड अदर लैंग्वेज. इन एडिशन देयर वेर द प्रिंसली किंगडम हु सब्जेक्टेड ऑल्सो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल द नाइजम ऑफ हैदराबाद स्टेट वेर पीपल स्पोक उर्दू तेलुगु मराठी एंड कनाडा. और उसके बाद एक और स्टेट बनाया गया जिसका जो है नाजिम ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद में अगर आप जाओगे तो वहाँ ज्यादातर मुस्लिम लोग का ही इलाका है, तो वहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तेलुगु लोग भी रहते हैं, मराठी लोग भी रहते हैं और कन्नड़ भी रहते हैं. कन्नड़ बोलेंगे इसको, कन्नड़ लोग भी रहते हैं. ठीक है, हैदराबाद में. तो हैदराबाद को एक स्टेट बनाया गया. तो मतलब वहाँ पर चार रीजन था. एक और था आपका कोलकाता. कोलकाता में सब बंगाली को ही बंगाली मतलब आते थे. तो कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया जिसको बॉम्बे बोला जाता है, और एक हैदराबाद हो गया. ये चार पांच मींस स्टेट हुआ करते थे. और अभी तो आपका 29 स्टेट हो गया. हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत सारे स्टेट हो गए हैं. अ मेजर डिमांडेड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वॉज दैट द स्टेट शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन लैंग्वेज एट दैट टाइम people speaking the same language who lived in different provinces and princely state were demanding to their own state. उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे राजस्थान, राजस्थान ना एक प्रिंसली स्टेट था. प्रिंसली मतलब वहाँ पर राजा रानियों लोग का ना राज चलता था.
तो उनको जो है ये बोला गया था उस टाइम पे कि आप आपके पास दो चॉइस है, ठीक है, एक चॉइस है आप राजा रानी वाला क्या बोलते हैं यहाँ पर करो और इंडिया से अलग हो जाओ, मतलब आपकी एक अलग कंट्री होगी, ठीक है, इंडिया के ही अंदर, इंडिया ही एक कंट्री है और राजस्थान अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर राजा रानी वाला राज करना था। जब राजा रानी लोग ये देखे, मतलब राजा वहां के ये देखे कि नहीं, ब्रिटिश रूल यहाँ पर बहुत ज्यादा हम पे हावी हो जाएगी अगर हम छोटा सा स्टेट, क्योंकि उनका छोटा सा स्टेट है और बाकी आजू बाजू पूरा आपका एक इंडिया का कंट्री है, तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, तो पहले सरेंडर कर दिए कि नहीं, हमको जो है आपके इंडिया के रूल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आना है। तो वो प्रिंसली स्टेट भी जो है वो इंडिया, मतलब इसमें कन्वर्ट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो गई, मतलब इंडिया में आ गई। इन 1917 द कांग्रेस पार्टी अनाउंस दैट इट वुड रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑन बेसिस वॉन्स द कंट्री गेन इंडिपेंडेंस। द पार्टी ऑलरेडी सेट अप द रिलीजन यूनिट ऑफ द लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब होता है लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो स्टेट बनाए जाते हैं। बट वंस इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 द बिगेस्ट कंसर्न वॉज द मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जब यहाँ पर इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, हमारे जब इंडिया जो है फ्रीडम हुई, तो यहाँ पर सबसे पहला मेन चीज हुआ है कि लोगों के बीच में यूनिटी होना बहुत जरूरी है, और यूनिटी बनाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया है, पार्लियामेंट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, रॉ लॉ बनाया गया, राइट्स बनाए गए, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को वो एकता में जोड़ने के लिए, क्योंकि सब क्या हो गए थे, टूट गए थे। जैसे इंडिया का आजाद होने के बाद ही क्या हुआ था, पाकिस्तान हट गया था, है ना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन दिया गया था ऐसा टाइप का। तो बहुत सारी चीजें हुई थी, हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं है। दिस कंसर्न वॉज रिलेटेड रिफ्लेक्टेड द धार कमीशन सेट अप द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन 1948 अंडर द लीडरशिप ऑफ एस के धार टू लुक द इन टू द इशू द लिंग्विस्टिक स्टेट। तो एस के धार के ऊपर जो है उनके ऊपर ये लीडरशिप दिया गया कि लैंग्वेज के ही अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेट बनने चाहिए वो आप पता कीजिए, ठीक है, ये एस के धार को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्लियर है स्टूडेंट? यस यस मैम। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज टाइम इज ओवर, 9:30 होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। ओके, नाउ क्लास इज ओवर।